guys, welcome to the channel Wicked Rider KS Vlogs. Yes. So, how are you doing, guys? How are you all? कैसे हो आप सब लोग? दो दिन से तो दिल्ली वालों, दिल्ली का मौसम enjoy कर रहे हैं हम लोग. So it's very good weather in Delhi from last 2 days. कल तो मजा आ गया, बहुत अच्छी बारिश हुई और मौसम बहुत ही मजेदार हो गया था. But the point being is, किसी को अपना weekend enjoy करना था, Saturday enjoy करना था, तो वो सिर्फ गाड़ी में घूम पाए, बाहर नहीं निकल पाए. पर जबकि बाहर घूमने लायक मौसम था कल, outdoors. So, but yeah, the weather was great yesterday and the weather is good today also. So, what's in the store today? So today, आज मेरा वीडियो बनाने का purpose है. आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है रिगार्डिंग दी रीसेंट अटैक ऑन इंडिया एज वेल एज विंग कमांडर अभिनंदन. सो उनके रिगार्ड में मेरे को बहुत मन करा था कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में कुछ बोलूं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ व्लॉग सो दैट मेरी फीलिंग ये सब तक पहुँचे, जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी लोग मुझे सुनना चाहते हैं या जिन लोगों को भी मुझे सुन के अच्छा लगता है एंड जिनको भी मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं द वे आई थिंक. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्पीक अबाउट दिस इशू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ टू दिस व्लॉग. अभी कुछ दिन पहले एक मोहतरमा ने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था दैट पाकिस्तानी आर्टिस्ट शुड बी बैंड. लाइक जो लोग भी अपने हॉलीवुड में काम करते हैं, दोज पीपल शुड बी बैंड फ्रॉम वर्किंग इन आवर इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सो मेरे को वो पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगा और मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट कर दिया कि वाई, मतलब उससे क्या होगा इफ़ वी बैन दोज आर्टिस्ट, तो उससे क्या होगा, उससे क्या मतलब, वट विल बी आवर बेनिफिट हम उनको बैन करेंगे तो. सो बदले में उनके किसी नोन ने, उनके किसी भाई साहब ने, एंड दी मैं उसको हाइड क्यों करूँ, मैं उसको बोल ही देता हूँ, हैकर्स डांस स्ट्रोक करके एक पेज है, एक कंपनी है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ. तो इन रिटर्न उन्होंने मेरे को गालियाँ लिखनी शुरू कर दी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहता हुआ देशद्रोही हूँ, ठीक है ना, हम जैसे लोगों को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और खूब उसने माँ बहन की गालियाँ लिखी. तो मैं बहुत ऑफेंड हो गया और लिटरली, अच्छा हुआ उस बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, वरना मैं उसका क्या हाल करता भगवान जानता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी बर्दाश्त है, माँ बहन की गालियाँ बर्दाश्त नहीं है. देन सो मेरा एक्चुअली ये पॉइंट, मैंने कमेंट इसलिए किया था जानने के लिए कि अब हम लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, अगर हम आर्टिस्ट बैन कर देंगे तो हाउ कम इट विल हेल्प अस, लाइक हेल्प आवर कंट्री टू यू नो टू बींग सिक्योर फ्रॉम दीज अटैक्स जो हमारे सोल्जर्स पे होते हैं. तो मतलब वो आप, अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, किस वे में वो हेल्पफुल रहेंगे. मैंने इस मुद्दे पे, इस मद्देनज़र उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ दे विल हेल्प, कैसे मदद होगी, तो उसका जवाब तो उनसे दिया नहीं गया और ऊपर से उन्होंने गाली गलौज और ये वो दुनिया भर की बातें लिख दी, ठीक है ना, तुम तो ये हो वो फलाना ढिमकाना. तो एनीवे, अगर आप कोई बात लिखते हो तो उसका आपके पास तर्क होना चाहिए, उनके पास तर्क ही नहीं था. एंड आई गेस हिज नेम वॉज राहुल फ्रॉम हैकर्स ट्रांस ग्रुप. तो उसके पास मेरी बात का जवाब नहीं था, बल्कि उसने बहुत गालियाँ वालियाँ लिखी और ये वो करा. तो चलो लेट इट बी, उसको मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया और आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टच विद हिम और ना मैं उससे किसी तरह की कोई बात करना चाहता हूँ. बट मेरा कमेंट करने का भी पॉइंट ये था कि अगर ऐसा कोई स्टेप है कि हम किसी को बैन करके अगर टेररिज्म रोक सकते हैं,
तो ये हमने पहले ही कर दिया होता, ठीक है। और किसी आर्टिस्ट को बैन करने से ये टेररिज्म में कैसे रिलीफ मिलेगा, मतलब ऐसा क्या होगा आर्टिस्ट को बैन करने से जो हमें टेररिज्म, वैसे तो फिर पाकिस्तान की हर सारी चीज़ें अवॉइड करो, पाकिस्तान के साथ खेलना अवॉइड करो, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉन्वर्जेशन एक्सचेंज करना अवॉइड करो, सब कुछ बंद कर दो ना यार। हमने 400% ड्यूटी 40% से पता नहीं कितने से 400% ड्यूटी कर दी है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो इस फिर वो उसको भी 400% करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना, उसको 400% करने की भी ज़रूरत क्या है, बैन ही कर दो ना यार कि पाकिस्तान से हमें कुछ लेना ही नहीं है, विल नॉट बी इम्पोर्टिंग, भाई साहब का चलान कटेगा तो हम लोग कुछ इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। सो और इवन आर्टिस्ट का क्या रोल है यार, मेरा जो मानना है जो मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर हमें कोई काम देता है, हमें अगर कोई कंट्री काम दे रही है, हमारे इतने सारे इंडियंस, इतने सारे आई टी वाले बच्चे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या वो रिस्पेक्ट नहीं करते यू एस को, अमेरिका को रिस्पेक्ट नहीं करते, या और उस कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं करते जिस कंट्री में जाके वो काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, राइट। सो मोटा मोटा लॉजिक ये है कि जहाँ पे आप काम करते हो ना, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो वर्क प्लेस हो, वर्क एनवायरमेंट डैमेज हो, डिस्ट्रॉय हो, ख़राब हो, क्योंकि उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है ना, उनको एक अटैचमेंट हो जाता है, उनको उसका रिस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। और मेरे को तो ये श्योरिटी है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट, सिर्फ आर्टिस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली आर्टिस्ट, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत अच्छा खासा अटैचमेंट होगा इंडियन इंडस्ट्री से, बिकॉज यहाँ उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है ना, यहाँ उनको काम करने को मिला है। हम इंडियंस ने कभी उनको ये फील नहीं कराया कि वो अपनी कंट्री में नहीं है, राइट, जैसा कि पाकिस्तानी करते हैं, मगर हमने कभी उनको ये फील नहीं कराया, तो ऑब्वियसली उनको उस चीज़ का रिगार्ड तो होगा ना, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब ये कि आप फोकस अपना ऐसा रखो कि जो फोकस का कोई हिट रेशियो हो, कोई उसका कोई मैच्योरिटी रेशियो हो, ठीक है ना, जिससे हमें कुछ हासिल हो, जिससे हमें कुछ हासिल ही नहीं है, ऐसी हेट फैलाइए, फ़ायदा क्या है, ठीक है। और एज वेल एज अपना फोकस भी डाइवर्ट कर रखा है हमने, ठीक है ना, ये कर दो वो कर दो, अरे यार हम लूज़र्स की तरह बात करते हैं, पाकिस्तान ने हमें ठोक दिया 300 किलोमीटर अंदर आके, हम वहाँ पे उन पे चौड़े हो रहे हैं कि हम आपको 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर आके ठोकेंगे, अरे हद है, ये तो लूज़र वाली एक्टिविटी हुई ना, कुछ ऐसा मतलब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो 300 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के 300 मीटर के 30 मीटर भी अंदर ना आ पाए, हमारी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए, वो हमें पहले आके ठोक जाएँ फिर हम उसका रिवेंज लें, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, मतलब ये कहाँ की बुद्धिमानी बात रही, कहाँ की अक्लमंदी वाली बात रही कि आप उसका रिवेंज लेने के लिए आप हीरो बन रहे हो, एट दी एंड आपको हमको पता है कि वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे, ये एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि वो इस तरह का एक्टिविटी इस तरह का काम करते रहेंगे, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करते, हमारी सिक्योरिटी का जो लेवल है वो ऐसा क्यों नहीं होता, हमारा जो हमारा विद इन कंट्री जो आर्मी का सिंक है, ठीक है ना, वो ऐसा क्यों नहीं है कि ये लोगों को मौका ही ना मिले ऐसा कुछ करने का, ठीक है ना, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए क्यों नहीं काम करते, चलो ठीक है वो पत्थर फेंकते हैं जो भी कुछ करते हैं, वैसे ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलना बेकार है क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं इस डिस्कशन से, बट एनीवेज कि जो लोग हम पे पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हम उनको उन्हीं को पकड़ो ना यार, उनको पकड़ लो, उनको अंदर करो, या उनके खिलाफ स्पेसिफिकली कुछ एक्शन हो ना, ठीक है ना, बजाय कि पूरे कश्मीर को बदनाम करना या सारे कश्मीरीज को बदनाम करना, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं ये अपने को नहीं पता, चाइना का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, किसी कौम का इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, या जनरेशन का इन्फ्लुएंस है, जो भी है, तो हम उनको क्यों नहीं स्पेसिफिकली हिट करते, उनको क्यों नहीं पकड़ते स्पेसिफिकली, जबकि बजाय कि पूरे कश्मीरीज को हम लोग बदनाम कर रखा है हमने कि सारा पूरा कश्मीरी ऐसा है, बस सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है, बहुत मोस्टली कश्मीरीज को ये पता है कि जब तक वो इंडिया के अंडर रहेंगे, जब तक इंडिया की छत्र छाया में रहेंगे, तब तक उनका कुछ भी नहीं हो सकता, ना बाल माका हो सकता है, ठीक है, और ना उनको और कोई सुख सुविधा की फिक्र हो सकती है,
ना उनको कोई अपने बिजनेस की फिक्र हो सकती है, ठीक है। तो चलो इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारे मेरा स्पेसिफिक पॉइंट, मेरा मेन पॉइंट ये था, मेरा ब्लॉग बनाने का पॉइंट ये था कि हमारे कमांडर साहब विंग कमांडर अभिनंदन, वो उन्होंने क्या दिलेरी दिखाई है यार, हैट्स ऑफ, सल्यूट है, ग्रैंड सल्यूट है उनको। मतलब इतना जिगरा भी लोगों में है अपने इंडिया में, इतना जिगरा है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, मतलब काबिल तारीफ। अभी वो सुन के ही फट गई, वो मतलब वो नो मैन्स लैंड से वो पाकिस्तान बाउंड्री में इंटर कर गए उसकी एडिट कैसे करने के चक्कर में। कुडोज मैन, कुडोज। ये तो सब कुछ बियॉन्ड ही बात है, मतलब ब्रेवरी के भी बियॉन्ड बात है ये। हैट्स ऑफ टू आवर जवान, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, IAF, BSF, CRPF, एवरीबडी, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी हमारी फौज हैं, सबको बहुत बड़ा सैल्यूट। एंड ये बहुत खुशखबरी वाली बात है कि वी गॉट आवर सोल्जर बैक सेफली, ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। बट जो लोग इसमें सिंपैथी दिखा रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने सही सलामत हमारे कमांडर साहब को वापस भेज दिया, ठीक है ना, जिन लोगों को ये पाकिस्तान का ये स्टेप अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, मोटिवेटिंग लग रहा है, मेरा जो मानना है, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी गट फीलिंग है, जो इतने सालों से मैं बचपन से सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, ये न्यूज़ पढ़ी है, अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ चैनल देखे हैं, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से सुना है, अपने बड़े घर वालों से सुना है, तो पाकिस्तान का कमांडर अभिनंदन को रिलीज़ करने का जो एक पॉइंट था, वो सिर्फ मेरे को यही समझ में आया क्योंकि वहाँ के लोकलाइज ने, जहाँ उनका बिग 21 क्रैश हुआ था, वहाँ के लोकलाइज ने इंस्टेंट वीडियो बना ली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना। जब तक हम आगे बढ़ के, मतलब सबको रहता है ना कि यार मैं लेटेस्ट न्यूज़ दूँ, ऐसी न्यूज़ नहीं भेजूँ जो ऑलरेडी 4 लोगों भेज चुके हैं, मैं कुछ नई न्यूज़ भेजूँ, तो इसीलिए फटाफट से पाकिस्तान वाले लोगों ने, लोकलाइट ने वो वीडियो बनाया, और वीडियो बनाते ही ढैं 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 उसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करते करते उसने इंडिया पहुंच गया। इंडिया पहुंचने के बाद क्या था, हमको पता लग गया कि हमारा जो हमारा एक कमांडर है, हमारा एक सिपाही, हमारा एक कमांडर, वो गलती से पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, क्योंकि उनके प्लेन में कुछ डैमेज हो गया था रिटर्न फायर में, जो कि उन्होंने F-21 पाकिस्तान के F-21 जेट पे जो हमला किया था इन रिटर्न। अब एक्चुअल वॉर सिनेरियो क्या था वो तो कमांडर साहब ही जाने। तो इसके चलते जो हमारा वीडियो था पाकिस्तानी का, वो वायरल हो गया, वो वायरल होकर इंडिया पहुंच गया, इंडियंस को पता लग गया कि जी ऐसा ऐसा सीन हुआ है, ठीक है ना। ऑलरेडी पाकिस्तान पे हम प्रेशर बनाए हुए थे कि भाई तूने हमारे 40 जवान मार दिए, तूने ये टेररिस्ट एक्टिविटी करी है इतनी बड़ी, इतनी बार सुनाने के बाद भी पाकिस्तान ऑलरेडी प्रेशर में था, हमने उनको और प्रेशराइज कर दिया क्योंकि हमें अपना जवान चाहिए था वापस, हमें अपना इंसान वापस, ठीक है। तो पाकिस्तान ने, अब एक बात बताओ, कितनी देर लगती है किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में, 6 घंटे 8 घंटे में सारी जांच पड़ताल, सारे टेस्ट, सारे ये वो सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है ना। जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, तो आप ये सारी चीज़ें, किसी भी तरह के टेस्ट हो, किसी भी तरह की कार्रवाई हो, किसी भी तरह की जाँच पड़ताल हो, 8-10-15 घंटे में आप मैक्सिमम पूरी कर सकते हो। 60 घंटे बाद उन्होंने हमारे कमांडर साहब को वापस भेजा है, ठीक है ना। नियत का पता लगता है इसमें कि नियत उनकी क्या थी, 2:30 बजे की हमारी अपील थी कि उनको अब 2:30 बजे तक वापस कर दो, तो डेट हमारी जो मार्च पास होती, जो परेड होती है वाघा बॉर्डर पे, हम उसको और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। बट रहेंगे तो वो कमीने, नहीं भेजा उन्होंने, उनको पता था कि सारा हिंदुस्तान एक्साइटेड है, सारा हिंदुस्तान जोश में है, ठीक है ना। तो उनको हमारी पाकिस्तानी जो स्पेसिफिकली जो भी लोग हैं, उनको मज़ा किस में आता है, उनको मज़ा इसी में आता है कि हमारी जो खुशी है, हमारी जो हंसी खुशी है, हमारी जो स्माइल है, उसमें वो उंगली करें, ठीक है ना। तो उन्होंने उंगली करने का सोचा और उन्होंने उंगली करी, ठीक है।
तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो एक्टिविटी थी जो पाकिस्तान ने कमांडर साहब को वापस किया है, वो लकीली जो वीडियो वायरल हो गया उसकी बदौलत है, और जो इंटरनेशनल प्रेशर था हुआ पाकिस्तान के ऊपर उसकी वजह से, वरना होना क्या था, वरना ये लोग पता भी नहीं लगने देते कि कोई हमारा कोई बंदा वहाँ पे लैंड किया है, हमारा कोई वहाँ पे प्लेन क्रैश किया है, तो उस पर जो भी उसका पायलट था वो जिंदा बचा है या नहीं बचा, ये हमें कानों कान खबर ही नहीं लगने देते। ठीक है, ये अपना दोबारा किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की तैयारी करते, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा के या उनको मोलेस्ट करके, उनको एक्सप्लॉइट करके, ठीक है ना, उन्होंने ये करना था। उन्होंने ये नहीं करना था कि सज्जन की तरह आए और जी ले जो जी अपना बंदा वापस, उनको ये नहीं करना था। ठीक है, पाकिस्तान की फितरत वही है। जय हो भोलेनाथ। तो सेकेंडली, तो मेरा उन लोगों से मेरे सुझाव, मेरे सजेशन उन लोगों को जिनको थोड़ी सिंपैथी हुई है पाकिस्तान की इस एक्टिविटी से, ऑब्वियसली वी डोंट वांट वॉर, हमें कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहिए, बिकॉज वॉर्स का सालों सालों तक कोई एंड नहीं होता, और किसी भी दो कंट्री में अगर वॉर होती है आपस में तो आप मान के चलो कि उनका सब ख़त्म है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें इतने सालों लग गए वापस डेवलप करने में, वापस अपनी इकनॉमी डेवलप करने में। बड़ी बड़ी कंट्रीज को, हमारी तो क्या बात है, बड़ी बड़ी कंट्रीज को, रशिया, अमेरिका, राइट, सो ऑब्वियसली वी डोंट वांट वॉर, बट बी लॉजिकल। जो आप स्टैंड लेते हो, जो आप चीज़ बोलते हो, ठीक है ना, जो आप चीज़ें पोस्ट करते हो, जो आप चीज़ें कमेंट करते हो, बी लॉजिकल ऑन दैट, ठीक है ना, एटलीस्ट गिव अ थॉट बिफोर, उसके चारों आस्पेक्ट सोच लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद में आप किसी पब्लिक एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हुआ करो। ये नहीं कि जी अच्छा मैं तो हम तो जी एक साइड फेवर में हैं, किस लिए ये नहीं पता, बस हम इस साइड फेवर में हैं, और इस बंदे ने कैसे बोल दिया ऐसा कन्फ्यूजिंग सा स्टेटमेंट या इसके अगेंस्ट, तो उस पर धाएँ से कमेंट फेल दिया या और कुछ कहानी, ठीक ना। तो डोंट डू दैट, ठीक ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड दी सिनेरियो फर्स्ट, कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, क्या थी। मैं भी पुलवामा अटैक पर बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज़